आइए नाज़रीन, आज हम आपको नमक पारे बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हम बहुत ही कम अपने घर में कभी बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चंद एक अशिया की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले तो अजवाइन है जिसका हमने 3/4 टीस्पून लिया है। 3/4 टीस्पून जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है। अजवाइन डालनी हो अजवाइन डाल लें, ज़ीरा डालना हो, क्यूमिन सीड्स डालने हो तो वो डाल लें, कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं। मार्जरीन ली है हमने, कोई 125 ग्राम्स होगी हमारे पास, और ये हमारे पास फ्लावर है जो कि हमने 500 ग्राम्स लिया है, प्लेन फ्लावर है। अब हम जो है अपना फ्लावर मिक्स करते हैं और इसमें हम सेमोलिना जो है ऐड करेंगे अपने फ्लावर में। हमने 1/3 कप जो है वो सेमोलिना का, यानी कि सूजी का, बारीक जो फाइन सेमोलिना होती है, वो अपने फ्लावर में ऐड किया है। और अब हम अपना बाकी का फ्लावर जो है वो इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ ही हमने ये मार्जरीन डाल देनी है। मार्जरीन जो है वो ज़रा बेहतर रहती है, उससे खस्ता बनते हैं, अच्छे बनते हैं, तो इसलिए हम यही ऐड करते हैं। अजवाइन और सॉल्ट भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हमने मार्जरीन को अच्छी तरह से अपने फ्लावर में मिक्स कर लेना है। जब हम ये देखेंगे कि मार्जरीन अच्छी तरह से यकजान हो गई है फ्लावर के साथ, तो हमने उसमें पानी ऐड करना शुरू करना है। पानी जो है वो गर्म है थोड़ा सा, इतना कि आपका हाथ उससे ना जले। उसको हम गाहे गाहे पानी को डालते रहेंगे और देखते रहेंगे कि डो जो है वो मुनासिब है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक है। और ये देखिए डो जो है ये बिल्कुल तैयार है, अच्छा सख्त डो बना है। इस प्ले डो की तरह का इसका टेक्सचर है, बल्कि उससे थोड़ा सा सख्त जो है वो इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब हम जो है वो इस डो की एक डो बॉल बना लेंगे। इसको हम हाथ से थोड़ा सा दबा के फ्लैट कर लेंगे। अब हमने इसको फैलाना है, इसकी रोटी बनानी है और वो भी अच्छी बारीक रोटी बनानी है। ये ऐसी चीज़ें जो हैं निबलिंग्स वगैरह, ये हम अपने घर में नहीं बनाते, क्योंकि अगर ये घर में मौजूद हों तो खाई जाती हैं। आपने सालन खा लिया, रोटी खा ली, आजकल की लाइफस्टाइल के लिहाज से वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन अगर ये चीज़ें घर में बनी हुई हों तो फिर इंसान आता जाता थोड़ा थोड़ा खाता रहता है, उससे उसकी सेहत भी ख़राब होती है, वज़न भी बढ़ता है। कोई ओकेजन हो, आना चाहिए इंसान को, तो इंसान बना ले। लेकिन आम तौर पर जैसे मीठे वगैरह होते हैं या केक या पेस्ट्रियाँ या निबलिंग्स वगैरह जो होती हैं, ये आजकल ज़रा थोड़ा आम तौर पर बनाना घर में थोड़ा रिस्की है। अब जब हमारी ये जो पूरा हमने डो को फैला लिया है अच्छी तरह से, ये देखिए किस तरह ये बिल्कुल पतली एक रोटी बन गई है। उस वक्त हम जो है काटने से पहले नमक पारों को हमने ऑयल डालकर अपने एक पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये चूंकि बेंच टॉप पर हमने इसको बेला है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे बेंच टॉप पर स्क्रैच पड़ेंगे। वो बहुत मुमकिन है कि हमें अभी तो नज़र ना आए, लेकिन वक्त के साथ पता लगेगा कि इसके ऊपर ये स्क्रैच पड़ा है। तो बेहतर है कि आप इसको किसी बोर्ड पर, कटिंग बोर्ड वगैरह पर रख लें। और अब हम इसके ऊपर बिल्कुल सीधी इस तरह से लकीरें लगा लेंगे, जैसे हमने इसको हाफ मून शेप काट लिया, और इसको हमने इस तरह से कट लगा लेने हैं। अपना फिंगर रखेंगे तो इससे यह है कि नाप आपका बिल्कुल बराबर होगा। उसके बाद हमने ये जो 3-3 टुकड़े छोड़कर इस तरफ को, आड़े रुख को, हमने इस पर और कट लगा लेने हैं। उससे यह है कि आपके नमक पारे बिल्कुल नमक पारों की शेप के बनेंगे, जिस तरह के वो होते हैं, और एक बराबर का साइज जो है वो कटेगा। अब हम इनको तलना शुरू करते हैं, और ये आप थोड़े थोड़े करके तलें, ताकि ये है कि आपके ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप ना हो और ये बड़े अच्छे क्रंची एक मीडियम हीट पर जो है वो तले जा सकें। उससे ये है कि ये बड़े अरसे तक फिर क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप इनको उतार कर ठंडा होने पर एक जिप पैक में डाल दें या किसी सील्ड जार में रख लें तो अच्छे रहते हैं। ये कहने को तो आसान सी चीज़ है, लेकिन जिसके सही बने उसके हमेशा सही बनते हैं, और जिसके ना बने उसके हमेशा ख़राब होते हैं। तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपके लिए कारामद साबित हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।